दोस्तों, चाहे सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, आंधी आए चाहे तूफान, पर एक बात अटल सत्य है कि मूर्ख व्यक्ति हमें कहीं भी और कभी भी दिख सकता है। कहने को तो दुनिया में रोजाना लाखों मूर्खता भरे काम होते हैं, मगर उनमें से कुछ ही कैमरे में रिकॉर्ड हो पाते हैं, और जो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाते हैं उन्हें हम आप तक ले आते हैं, जिन्हें देख आपकी हंसी का ठिकाना नहीं रहता। तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको मूर्खता भरे काम करते हुए कुछ महामूर्खों से। हे भगवान, मौत का भय है या नहीं इस औरत को? ये तो अपनी मूर्खता से हर तरफ अपना मजाक बनवाएगी। भला इस तरह से बिजली के ट्रांसफार्मर पर पानी कौन डालता है भाई? कहीं करंट लग गया तब तो निश्चित ही जिंदगी का स्वाहा हो जाएगा। ना जाने ये औरतें क्या करके मानेंगी। देख लो इन पागलों को, इन्हें भला कारीगर किसने बना दिया? मैं तो कहता हूँ कि इनसे झाड़ू लगवाओ, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ इनके बस में नहीं है। इस तरह से हिलती दीवार भला कैसे फिक्स होगी? थोड़ी ना सीमेंट इतनी जल्दी सूखता है कि ये दीवार को फिक्स कर देगा। मूर्ख व्यक्ति को कितना भी रोक लो, वो हर जगह अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर ही देता है। इस लड़के को ही ले लो जो अपने हाथों से ही ओवन में रखे गरम पिज्जा को उठा रहा है, जबकि इसे मालूम है कि ऐसा करने से उंगलियां जल सकती हैं। वैसे उंगलियां भले ही बच गई, पर किचन गंदी होने से ना बच पाए। लगता है इस कारीगर के पास कुछ ज्यादा ही दिमाग है, क्योंकि एक तो इसने टाइल्स को उल्टा लगाया है, और ऊपर से ये उन पर ऐसे हथौड़ा मार रहा है जैसे ये टाइल्स लोहे के बने हों। मान गए इसकी मूर्खता को। कई बेवकूफ लोग काम के दौरान भी मजाक करने लगते हैं, और फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है। ये भाई साहब सीमेंट ट्रॉली पर मजाक में कुछ ज्यादा ही जोर लगा रहे थे, मगर जब इन्होंने फ्लोर पर ज्यादा तेजी के साथ सीमेंट उल्टा करना चाहा, तब सीमेंट के साथ ट्रॉली का आगे का हिस्सा भी उल्टा हो गया, जो देखने में काफी मजाकिया था। कैसा बेवकूफ आदमी है यार, अगर इसे दीवार की मजबूती चेक करनी ही थी तो अच्छे को घर के अंदर छोड़ देता। गोद में लेकर चेक करने की भला कौन सी जरूरत आन पड़ी थी। खैर जो भी हो, पर दीवार ग्रीस और ग्रीस, साथ ही खिड़की और वाटर पाइप को और ले गए। इस कारीगर को 21 नहीं बल्कि 22 तोप की सलामी दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये पिलर बना रहा है उसे देखकर तो ऐसा लगता है मानो ये पिलर सिर्फ एक धक्के से ही गिर जाएगा। अब कमजोर पिलर तक तो ठीक है, जनाब ने इसे टेढ़ा अलग बना डाला। इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है, और मैं ये यूं ही नहीं बोल रहा, बल्कि इस जैसे नासमझ नमूने को देखकर बोल रहा हूँ। नहीं मतलब ये सिद्ध क्या करना चाह रहा है, कि ये बहुत बड़ा वाला नमूना है? वैसे इसमें दो राय नहीं, क्योंकि ये नमूना जो बाकी में, अब ये पेड़ न काटेगा। यही होता है नदी को गंदा करने का नतीजा। ये आदमी अपने ट्रक से नदी में कचरा फेंकने आया था, मगर जैसे इसने अपने ट्रक का बैक ट्रंक खोला, तब कचरे के साथ साथ ये खुद भी पानी में चला गया। बहुत सही हुआ। इस दुनिया में कई लोग अपना गुस्सा दरवाजे, खिड़कियों, टीवी रिमोट जैसी चीजों पर निकालते हैं, पर यही चीज उन्हें मूर्ख साबित कर देती है। ऐसे गेट कौन खोलता है भाई कि टूट ही जाए? पक्का सारी हेकड़ी निकल गई होगी इसकी। आज के समय में कई लोग जल्दबाजी के चक्कर में खुद को बेवकूफ साबित कर देते हैं, जैसे कि इस शिप चालक ने किया। दरअसल किनारे पर पहुंचकर ट्रैक्टर बोट से उतर ही नहीं पाया, और जनाब ने शिप आगे बढ़ा दी, जिसका अंजाम ये हुआ कि ट्रैक्टर शिप ही फंस गया और अंत में पानी में समा गया। किस्मत अच्छी थी कि ड्राइवर की जो वो वक्त रहते ट्रैक्टर से उतर आया, वरना इस शिप चालक की मूर्खता से जान पर संकट आ जाता। इस वर्कर ने तो काम के दौरान नशा कर रखा है, जिस वजह से ये सीमेंट ट्रॉली तो क्या खुद को भी संभाल नहीं पा रहा, और देखा कैसे जनाब गिर गए। ना जाने कौन रखता है ऐसे दारूबाज वर्कर्स को काम पर। ये सिंगर है बेवकूफ। भले ये सिंगर कैसे बना होगा जब इसे माइक ही ठीक से पकड़ना नहीं आता। वो तो भला हो दूसरे व्यक्ति का जो उसने इसे माइक को सीधा कर दिया, वरना बेवजह मजाक बन जाता। इस नमूने के लिए लाइक तो बनता है। जब भी कोई घर गिराया जाता है, तब उसे गिराने की शुरुआत ऊपर से होती है, लेकिन ये पागल इंसान घर को नीचे से गिरा रहा है।
अब घर तो ऐसे भी गिर गया, लेकिन अगर गलती से भी ये भागने में लेट हो जाता तब पक्का मौत होती इसकी। गजब मूर्ख इंसान है यार। पता था कि जब टनल की हाइट नीची है तो फिर ऊपर साइकिल के साथ कार कॉलेज जाने की क्या जरूरत थी। निपट गई ना कहानी। अब भुगतो, भला कैसे निकलेगी ये कार और साइकिल? या तो कार की रूफ तोड़ या फिर साइकिल, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये मोहतरमा जब इतना सारा सामान लाए हुए थी तब कम से कम लिफ्ट घुसाने के दौरान पहले सामान अंदर करना था और फिर खुद अंदर होना था। खैर, इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से लगेज का एक वायर लिफ्ट के दरवाजे के बाहर ही निकल रहा और जब लिफ्ट चालू हुई तब सारे लगेज का ही कबाड़ा हो गया और मोहतरमा बस देखती ही रह गई। जय हो, इस लड़के की तो आरती उतारनी चाहिए क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया। आगे या बटन जो ऐसे नई बनी सड़क ना दिखी, पक्का लड़की हो गए ख्यालों में खोया हुआ होगा, तभी तो ऐसा हुआ। कुछ भी हो पर अब ये कभी भी इस तरह से आंखें बंद करके गाड़ी ना चलाने वाला। दोस्तों, जब सामान इतना ज्यादा था तो इस ट्रक ड्राइवर को उसे ऐसे रिस्क में ले जाने का काम ही नहीं करना था, लेकिन नहीं, जनाब अपनी होशियारी कैसे साबित करते। अब जो भी हो पर ट्रक तो फंस ही गया है, मगर इसकी चलने की स्टाइल देखकर लग रहा है मानो इसे इसी गलती का जरा भी मलाल नहीं है। ये कैसा बेहुदा म्यूजिक बैंड है यार, इसमें तो ड्रम बजाया नहीं जा रहा बल्कि लाठियों से तोड़ा जा रहा है। साथ ही सिंगर मोहतरमा का भी बुरा हाल है क्योंकि मैडम जमीन में लोट लगाते हुए गाना गा रही हैं, मेरा मतलब चिल्ला रही हैं। अभी कांच ठीक से लगा भी नहीं था कि इस मूर्ख ने सारा काम बिगाड़ दिया। जनाब मजबूती के साथ कांच से जाकर टिक गए, इस वजह से पूरा कांच चटक गया। अब इस नुकसान का भला पैसा कौन देगा? लापरवाह कहो या बेवकूफ, नुकसान तो हो ही गया है। ये लड़का जब कांच की बॉटल्स में इतनी महंगी ड्रिंक्स लेकर आ ही रहा था तो कम से कम थोड़ा संभल कर तो आता, मगर नहीं, इसे तो काम निपटा कर घर वापस जाने की ज्यादा जड़ी थी, जिस वजह से ये बिना देखे सीढ़ियां उतर गया, जिससे इसके हाथ से ड्रिंक्स की पूरी क्रेट छूट गई और सारी ड्रिंक्स का कबाड़ा हो गया। अब ये चल तो ऐसा रहा था जैसे इसने कुछ किया ही ना हो, मगर सीसीटीवी है ना, उसमें सब मालूम चल जाता है। ना तो स्कूटर में जान है और ना ही इस लड़के के अंदर दिमाग, वरना अगर दिमाग होता तो यूं इतने सारे सामान को स्कूटर से ढोने की कोशिश ना करता। क्या ही कर सकते हैं, बेचारा मूर्ख ठहरा। और इसके साथ वाला तो और बड़ा महामूर्ख है जिसने इसे ऐसा बेतुका काम करने भी दिया। धन्य हो प्रभु। दस लोगों में सभी के सभी मूर्ख नहीं हो सकते, ये तो आपको मालूम ही होगा, मगर यहाँ तो पूरे के पूरे दोस्त ही मूर्ख हैं, क्योंकि ये चाहते तो स्टॉपर को भी अलग लगा सकते थे, मगर क्योंकि इन लोगों के पास दिमाग नहीं था जिस वजह से ये स्कूटर को उठाकर स्टॉपर पार कराने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि इनमें से एक अक्लमंद था जिसने ये बात नोटिस की और स्टॉपर को रास्ते से अलग कर दिया, वरना ये बेवकूफ तो अपनी बेवकूफी दिखा ही रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।